इंडिया में रोड एक्सीडेंट बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, जिसका मेन रीजन है सड़क की स्पीड लिमिट को क्रॉस किया जाता है। और एक्सीडेंट कभी भी ये देखकर नहीं होता कि गाड़ी कौन चला रहा है। अगर आप गलती करेंगे तो एक्सीडेंट आज नहीं तो वो कल होना पक्का है। तो दो दिन पहले ही इंडिया के जाने माने एक्टर पंकज त्रिपाठी के ब्रदर इन लॉ को एक मेजर एक्सीडेंट सामने आया, जहाँ हाई स्पीड में उनकी स्विफ्ट डिवाइडर से जा लड़ी। ये एक्सीडेंट ग्रैंड टंक रोड निरसा झारखंड से रिपोर्ट किया गया है। एक्सीडेंट सैटरडे को करीब शाम 4:30 बजे हुआ। यहाँ आप देखेंगे कि स्विफ्ट हाई स्पीड पर डिवाइडर से जाकर लड़ती है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, दूसरा गाड़ी चलाते वक्त नींद आना। पर यह स्पीड काफ़ी ज़्यादा रही थी सड़क के हिसाब से। आगे आप वो लाइव CCTV फुटेज देख सकते हैं जो दिखाता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो आपने देखा यहाँ क्या हुआ। गाड़ी काफ़ी स्पीड पर थी और सीधा डिवाइडर से जाकर लड़ी। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर राजेश तिवारी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाए। मे इज सोल रेस्ट इन पीस। और उनकी वाइफ सरिता तिवारी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। होप वो जल्द रिकवर हो जाएं। यहाँ पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया गया था कि नहीं इसकी जानकारी नहीं है, पर ऐसे एक्सीडेंट में सीट बेल्ट मेजरली जान बचाने में काम आती है। बाकी आपकी कंट्रोल स्पीड तो पहला डिफेंस है ही, और सिमिलर एक्सीडेंट में एक सेफ कार आपको बचाने के ज़्यादा चांसेस रखती है। इस एक्सीडेंट से सभी को एक सबक लेना ज़रूरी है, और स्पीड लिमिट में ड्राइव करना भी, ये समझकर कि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। आपका इस एक्सीडेंट के बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।